सरकार आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंगफली की खरीद करेगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सहकारिता विभाग ने 72 केंद्र बनाए हैं। सरकार की तरफ से 3,06,875 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद किसानों से की जाएगी। प्रदेश सरकार आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंगफली की खरीद करेगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सहकारिता विभाग ने 72 केंद्र बनाए हैं। सरकार की तरफ से 3,06,875 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद किसानों से की जाएगी। 15 अक्टूबर से अब तक मूंगफली के लिए 1,01,547 किसानों ने पंजीयन कराया है। केंद्र सरकार ने मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली जिन्सों के लिए 9,63,000 मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है। 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद शुरू हो चुकी है और 5 नवंबर तक 3,75,00,000 रुपए की खरीद की जा चुकी है। 90 दिन तक इन चारों जिन्सों में मिलकर हम 10,57,000 टन सभी तरह की फसलें खरीदेंगे, जिसमें उड़द 96,000 टन, मूंग 3,00,000 टन, मूंगफली 3.7 लाख टन और सोयाबीन 3.54 लाख टन की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि खरीद के लिए 322 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से मूंग के लिए 150, मूंगफली के लिए 72, उड़द के लिए 61 और सोयाबीन के लिए 39 केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से 7,050 किलो प्रति क्विंटल मूंग, 5,090 प्रति क्विंटल मूंगफली, 5,700 रुपए प्रति क्विंटल उड़द और 3,710 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। इसके लिए गत वर्ष 300 केंद्र थे, इस बार 19 केंद्र बढ़ाए गए हैं तो 319 हो गए हैं और जहां और भी कहीं मांग आएगी तो उस पर भी विचार करके परिस्थिति अनुसार बढ़ाएंगे, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, वो परेशान नहीं हो, उनके कम दूरी पर जाना पड़े और उनकी उपज सही हाथों में जा सके, तोल सके और खर्चा भी उनको कम लगे। मूंग की 2,28,000 मीट्रिक टन, उड़द की 73,800 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 3,54,000 मीट्रिक टन की खरीद पंजीयन कराने वाले किसानों से की जाएगी। चारों जींसों के लिए अब तक 2,26,000 किसानों ने बायोमेट्रिक तरीके से पंजीयन कराया है।